मम्मी स्कूटी चलाने वाला है इधर लगे हो चीज निकल था खत्म हो गया। मम्मी का दोनों पैर पोंछ रहा है हेलमेट पे पहनने से तो मेरे को हैंडसम हैंडसम दिखता है। देखो डर के आगे जीते क्या हो गया मेरा GoPro को। आज से मैंने ठान लिया कि कल भी एकदम व्लॉग व्लॉग शूट करेंगे। चार्ज लेने का मन ही नहीं कर रहा है। लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। एक कमेंट देने से ना थोड़ा मेरा रीच बढ़ेगा। So, hey, what's up guys? Once again, welcome back to my YouTube channel. सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइज आज इस ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है इधर रूम से मेरा। और ना गाइज आप लोगों को पता है लास्ट वाला ब्लॉग पे मैंने अपना मम्मी को सरप्राइज देने के लिए स्कूटी खरीदा था। तो अभी उसके बाद ब्लॉग व्लॉग नहीं गया। अभी दो तीन दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ गाइज। और ना इधर देखिए ब्लैकी मस्त मेरे रूम पे आके बैठा हुआ है। दार्जिलिंग कैसी नहीं की गाइज रेनी सीजन थोड़ा कम होने लग गया है तो इधर आप लोग को पता ही है आगे पूरा चादर वगैरह ऐसे लगा के रखा था। तो सुबह सुबह पापा ने सब हटा दिया है चादर वगैरह। और इधर का फिर भी सब ऊपर आ जाता नहीं। इधर आने से कुछ नहीं होगा पानी पर इधर आने से पूरा इधर पैसेज में ना पानी हो जाता है ना। और आप लोगों में ना इधर फर्स्टली तो दर्शन ले लीजिए आप लोग हमारा घर का मंदिर का। तो गाइस अभी देखिए पूरा सूखा सूखा हो गया है दिन। अभी मस्त वाला व्लॉग बनाने में भी मज़ा आएगा ना। क्या होता है ना गाइस पानी आने के कारण ना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता। और मोटो व्लॉगिंग तो क्या ही कर सकते हैं ना। और मेरे को उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है घर पर व्लॉगिंग वगैरह खाली मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। तो आज से मैंने ठान लिया कि घर पर भी एकदम व्लॉग शूट करेंगे। ग्रीनरी चारों तरफ पेड़ पौधों मेरे मम्मी ने सजाया हुआ है। देखिए कौन सा वाला फूल अच्छा लगा है आप लोग को देखना गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पापा ड्यूटी पे नहीं है गाड़ी उधर ही है। तो इधर ना गाइस देखिए हम अपना न्यू एंटॉर्क उधर इधर आना। मम्मी बोल रहे टाइम ने अभी टाइम में व्लॉग बना रहे हैं। व्लॉग बनाने का कुछ टाइमिंग नहीं होता। जब मन चाहो जब जोश आ जाओ हो जाएगा। एंटॉर्क कैसा लगा मम्मी? इस वक्त तो अच्छे से रिएक्शन नहीं ले पाया ना आपका। हाँ कैसा लगा? आज सोच रहा हूँ मम्मी को मैं स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। बूढ़ेपन में स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। खत्म। क्या है कि गाइस इधर ना मेरा रिजल्ट भी आ चुका है और फाइनली सब मेरा रिजल्ट वगैरह क्लियर हो चुका है। और गाइस इधर पापा सब्जी कटिंग कर रहे हैं और इधर आमा खाना बना रहे हैं। क्या खाने में क्या बन रहा है? भिंडी दाल। आज ना वो मैंने जब से मैंने स्कूटी लेकर आया ना इधर GoPro का हालत पत्र कहाँ गया है पता नहीं। इधर ये देखो इधर धूल वूल पूरा मिट्टी हो चुका है। तो अभी ना इसके चार्ज भी नहीं होगा। इसको जाके ना थोड़ा चार्ज पे लगाते हैं पहले और फिर शायद मैं आज अपना स्कूटी पे ना इधर लोकल मोटो व्लॉग करने निकलूँगा। तो चलो पहले ऊपर जाते हेलमेट को भी साफ सफाई करते और फिर थोड़ी देर बाद खाना पीना कंप्लीट करके निकलते। और ये देखे सबसे अलछे हमारा घर का ब्लैकी। सो गाइस फाइनली मैंने अपने हेलमेट क्लीन कर दिया है। ये ग्लास का अंदर से थोड़ा ये एंटी फॉग लेंस निकाल के करना होता है वो बाद में करूँगा मैं। और ये वगैरह तो पूरा क्लीन हो चुका है। तो इसको गाइस चार्ज पे लगाते हैं। अभी देखो मैं अपना मेरा फ़ोन का चार्जर से चार्ज पर लगाता हूँ। इधर चार्ज हुआ कि नहीं? अरे चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया मेरा GoPro को? चार्ज लेने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं गाइस GoPro का क्या सीन हो गया इधर चार्ज ही लेने का मन नहीं कर रहा है। शायद पूरा डेड हो सकता है इसीलिए भी चार्ज नहीं हो रहा होगा या तो फिर ख़त्म हो गया GoPro। पता नहीं क्या सीन है भाई रेड कलर का लाइट जलता है GoPro भी ऑन होने का मन ही नहीं ले रहा है। देखो A few moments later. कसम से भाई फटके चार हो गया था ये रेड लाइट नहीं जला ना इसीलिए मैंने सोचा GoPro खराब हो गया क्योंकि दो तीन दिन से ना मैंने इसको डेड रख दिया था ना बिना चार्ज करे हुए। तो इसीलिए बहुत लेट इधर फाइनली लाइट आ चुका है। मैंने समझा था मेरा GoPro चला गया एकदम पूरा ख़त्म हो गया मेरा GoPro। भाई शुक्र है चार्ज हो गया। अब बहुत भाई दिल को सुकून मिल रहा है। इतना भाई मैं तो ना पूरा लाल लोग हो चुका था कि GoPro कैसे भाई क्योंकि मेरा अभी ना दिन वगैरह अच्छा नहीं चल रहा है ना। बताऊँ भाई अभी ना थोड़ा GoPro वगैरह चार्ज करते उसके बाद खाना पीना खाएंगे और फिर मिलते हैं एकदम। सो गाइस फाइनली मेरा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और मैं इधर अभी छोटा सा राइड के लिए निकल रहा हूँ इधर लोकल पे। और ना गाइस अभी इधर देखिए स्कूटी
इसका ऊपर क्या क्या रख दिया है, ये पत्थर वगैरह, तो इसे निकालते देखिए, कोम भी है मैंने रखा होगा। चलो गाइस, कितने दिनों के बाद मैं अपनी स्कूटी चलाने वाला हूँ। इधर देखिए डबल स्टैंड पे लगा दिया है, और इधर ना फर्स्ट पे ना किक करना होता है, किक भी स्टार्ट करने से अच्छा होता है ना। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताना एंटॉर्क में क्या इधर गैप आता है क्या। ये देखो इधर पर गैपिंग है थोड़ा सा, दूसरा स्कूटी वगैरह का देखना पड़ेगा गैपिंग होता है या नहीं। मम्मी को स्कूटी चलाना सिखाऊंगा मैं अब। हाँ मम्मी सीखना है स्कूटी चलाना, साइकिल चलाना आता है? हाँ एक बार स्कूटी पे पैर बैठता है या नहीं देखिए तो एक बार। हाँ थोड़ा इधर आगे ला, इधर थोड़ा फिसलाट है कि इधर आगे निकलता हूँ। चलो आज मम्मी को स्कूटी में पैर पोसता है या नहीं देखते हैं। वो ब्लैक ही बाहर निकल गया, देखो चांस पर डांस मार दिया, डर के आगे जीते बैठे तो बैठे ना छक चौ सीधा पढ़ना था बिस्तारी। मम्मी स्कूटी चलाने वाला है, इधर सीधा पढ़ना ना, सीधा पढ़ना था हल्का बिस्तारी हल्का। हाँ ठीक है उधर ना, सीधा पढ़ना ना। ओ मम्मी का दोनों पैर पोस रहा है, तो कल से क्या स्कूटी सीखना है क्या? मैं और पापा होके सिखाऊंगा। हाँ इतना बुड्ढा बुड्ढा हो गया तो स्कूटी सीखता है ना गाइस। आप लोग को मम्मी को स्कूटी सिखाते हो देखना चाहते हो तो गाइस कमेंट डाउन बिलो। कुछ नहीं इजी है बस, साइकिल मम्मी को पहले ना साइकिल सिखाना पड़ेगा इधर कहीं से लाके। कैसा लगा स्कूटी पर? अच्छा है कलर? कलर कैसा है स्कूटी का? ये वाला निकाल दो। हाँ निकाल दो, निकाल दियो कर दिन निकाल होस्त दिन रख कल दिन और ना रखना ना निकाल ना निकाल होस्त इस ये नहीं कि सोक 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 मुंडा हो क्या जाना रिक्त बनता है ये तो घूमनो इस सीट का बना है लगा है ऊपर से लगा है ये आप लोग हो ना ये लगा है। हाँ टाइम बड़ा फ्री देगा इस सीट का बड़ा फ्री मिला था मेरे को गाइस ऊपर से ये लगा हूँ खटे रहा हूँ क्या दिन सुधर समझ रहे हो आप मम्मी बोल रहे इसके खटे रहे उन्हें नहीं देगा पर मम्मी को पक्का डे वन डे टू डे थ्री करके मैं एक व्लॉग बनाऊंगा मम्मी को स्कूटी सिखाने के लिए। जब पापा घर पे रहेंगे तभी सिखाऊंगा, मैं अकेला तो नहीं सकूंगा सिखाने के लिए मम्मी को। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे, और देख सकते हो स्कूटी का लुक्स कुछ ऐसा आ रहा है एंटॉर्क का 125cc। तो चलते हैं गाइस, अभी मैं इधर आज ना लोकल व्लॉग शूट करूँगा। आज से एकदम घर बैठे बैठे आलसी लग रहा है ना, तो आज ठान लिया कि मैं एकदम व्लॉग कंटिन्यू शूट करूँगा, वो भी हो आप लोग को दे दूँगा। और एक्चुअली ना गाइस आप लोग को एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, जब मैंने रात को स्कूटी लेकर घर पे पहुँचा था ना, तो एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट्स क्या है कि गाइस हमारा भैया का ना बाइक से ना पूरा आग लग गया भयंकर। वो भी भैया को उतना ज़्यादा पता नहीं था, हम ग्राउंड पे बैठे हुए थे और बाइक अचानक से आ रहा था, और हमने सोचा था कुछ लाइट होगा नया क्या अच्छा वाला डिजाइन वाला लाइट डाल दिया ना सोच रहा था, पर भयंकर वो तो आग था, जितना इधर पास आते गया वो भयंकर बहुत बड़ा आग लग गया। वो अलग क्लिप देख लीजिए आप लोग निकलता फूकता हुआ ना मूला। आप लोग सर्विसिंग वगैरह कुछ भी करवाते हो ना बाइक वगैरह पे, तो एकदम गाइस वायरिंग वगैरह भी एकदम चेक कर लेना। अच्छा हो गया गाइस आज इधर मोटर ब्लॉगिंग करते हुए, नहीं तो इधर पकड़ लेता। देखो गाइस पुलिस खड़ा है इधर चेकिंग पे पूरा। भाई गुड लक मेरा, नहीं तो इधर मोटा चलान हो जाता हेलमेट का। मैं सोच रहा था फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करते हुए नॉर्मल ब्लॉग करते हुए जाऊँगा, पर मेरे को क्या ऐसा सोच आ गया कि मैंने हेलमेट लगा दिया। थैंक्स टू गॉड आज बचा लिया भाई। तो चलो नीचे पहले तो फ्यूल अप करूँगा मैं, और फिर थोड़ा अंकल के गैरेज पे नहीं गया अभी बहुत हो गया, अंकल के गैरेज पे जाते हैं। और देखो हेलमेट में मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हेलमेट पे पहनने से तो मेरे को हैंडसम दिखता है ना गाइस। देखो आज पूरा नॉर्मल व्लॉग, चलो हाइपर राइडिंग करते हैं एंटॉर्क पे अपना, कहीं भाई गिर ना जाए हाइपर राइडिंग करते वक्त, मम्मी मारेगा फिर। देखो स्कूल भी अभी छुट्टी हुआ है इसलिए सब लोग बच्चे लोग रिटर्न हो रहा है स्कूल से। तो गाइस अभी मैं गौरव का गांव पहुंचने वाला हूँ, चलिए इधर पर गौरव को कल लगाते हैं।
हेलो कहाँ छौ ए म तिमीहरू यता आइरहेको छु त यता आइरहेको छु यता ग्राउन्ड यता उयो अगाडि छु रोडमा रोडमा छु रोडमा सघाई जब क्या आए कि गौरव भाई अपना घर पे नहीं है गाड़ी धुरा परे तो चलो गाड़ी धुरा जाते हैं अभी दूधे होकर पहले फ्यूल अप करते फिर सीधा गाड़ी धुरा की ओर गाइस मैं पहुंच चुका दूधे कैपिटल में उधर देखिए सूरज बाबा दर्शन दे रखा है और बारिश भी गिर रहा है एकदम क्या बोलने से है ना ये हमारा इधर नेपाली कल्चर में ना जब ऐसा सूरज और बारिश गिरता है ना तब ना वो फॉक्स का मैरिज सेरेमनी होता है इसलिए बोलते गाम पानी सेल को बीहे बंदे तो इधर पर मस्त फ्यूल अप करते हैं गाइस थोड़ा सा सेटल कर रहा है ये चीज़ बी एस सेवन को हाँ भाई सिक्स पे तो गोल हो गया तो अच्छे से नहीं लगा था इसीलिए निकाल के फिर से डाल रहा था उसको खोला था ना गाइस अभी तक हम इधर गाड़ी दूरा गैरेज अंकल गैरेज पर और इधर प्रजल ने चाय ऑर्डर दिया था चाय आ चुका है इधर देखिए प्रजल चाय पी रहा है ब्लैक टी और मैं पी रहा हूँ मिल्क टी किसके साथ बात कर रहा है भाभी के साथ देखो गाइस भाभी भाभी रिवील नहीं होना चाहिए गाइस और मैंने आप लोग को बताई है गाइस कि प्रजल ने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है तो जाके चेकआउट कर लेना एकदम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ मैंने और ना इधर गौरव का वेट करते करते रात होने वाला है तो जब तक गौरव आएगा चाय के चुस्की लेते और फिर ना गाइस आज मैंने जो जो भी व्लॉग वगैरह पे बताया है वो कमेंट सेक्शन खुला है आप लोग के लिए कमेंट कर देना गाइस और आपका एक कमेंट से ना मेरा थोड़ा ग्रोथ बढ़ सकता है तो इसलिए गाइस बोलता हूँ जब भी ना लाइक और कमेंट जरूर करके जाना आपका वजह से ना थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा एक कमेंट देने से ना थोड़ा मेरा रीच बढ़ेगा अभी क्या है कि गाइस वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है तो इधर ही एंड करने का सोच रहा हूँ आयो वेबसाइट लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आई एम एंडिंग अ ब्लॉग ओवर टू माय गाइस टेक केयर बी सेफ राइट सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग